हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज का मैच जो खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली के लिए बहुत ही मस्ट विन गेम है और दिल्ली की तरफ से काफी दिक्कतें आ रही है। पृथ्वी शॉ उनके फॉर्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार तो वो बिल्कुल कोई अच्छी पारी खेल ही नहीं पा रहे हैं और पता नहीं उनको इतना क्यों मौका दे रहे हैं। और भी ऑप्शन है, उनको खिलाना चाहिए और दूसरे प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए और पंत को थोड़ा और ऊपर आना चाहिए। राजस्थान जो कि इस समय सेकंड पोजिशन में है, बहुत ही बढ़िया पोजिशन में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ से वो हारना नहीं चाहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना चाहेगा। टॉप टू का जो बेनिफिट्स है उसके लिए वो जीतने के लिए खेलेगी, उसके बेनिफिट्स के लिए वो जरूर जीतने के लिए खेलेगी। और दिल्ली एक टीम सेकंड पोजीशन में और दूसरी टीम छठे पोजीशन में, तो ऑब्वियसली जो सेकंड पोजीशन वाला वो थोड़ा स्ट्रांग दिखेगा। लेकिन ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। दिल्ली के लिए अच्छा मौका है वापसी करने का, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करूँ तो पिछला मैच जो केकेआर से था वो 7 विकेट से हार मिली थी और राजस्थान भी अपना पिछला मैच हार के आ रही है, सिर्फ एक रन से हारी थी, तो यानी कि वो मैच काफी कड़क रहा था। लेकिन दिल्ली की बात करो तो काफी सारे कमियां है, उनकी बॉलिंग लाइन को भी लेके भी दिक्कत है। बॉलिंग लाइन में अगर अक्षर पटेल कुलदीप और खलील अहमद अगर विकेट नहीं ले पाते हैं तो मान लो बाकी सारे बॉलर तो वैसे ही विकेट उनको मिल भी नहीं रहा है। आरआर की तरफ से बात करूँ तो बॉलिंग लाइन अच्छी है, लेकिन पिछले मैच में बोल्ट और अश्विन को विकेट नहीं मिला था, सिर्फ आवेश खान को ही 2 विकेट मिला था। और बटलर और सैमसन को फिर से फॉर्म में आना पड़ेगा, पिछले ही मैच में वो दोनों के दोनों 0 पे आउट हुए थे। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो आरआर है यानी कि राजस्थान रॉयल्स इस टूर्नामेंट में जिस हिसाब से खेल रही है उनको हराना इतना आसान नहीं रहेगा, और आज के मैच में जो फेवरेट टीम रहेगा वो राजस्थान रॉयल्स ही रहेगा। होप सो कि दिल्ली खुद को एंड तक फेवरेट बना दे और मैच जीते। मैं चाहता हूँ दिल्ली जीते। और आप किस टीम के सपोर्ट में हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये था आज का छोटा सा एक अपडेट्स, और ऐसे ही और भी नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।